भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी एवं उनके कर्मठ साथियों की टीम से सुसज्जित मीडिया ग्रुप भिलाई दुर्ग एसआरजी भिलाई इस्पात संयंत्र एवं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में यादें मुकेश की संगीतमय प्रस्तुति बीते 21 वर्षों से होती आ रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 22वें वर्ष की 27 अगस्त की रात भिलाई के सेक्टर 1 स्थित नेहरू कल्चरल हाउस के सभागार में गीतों के शहंशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यादें मुकेश का संगीतमय आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल की स्वर्गीय धर्मपत्नी आशा इकबाल की स्मृति में 9 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। दर्द भरे गीतों के बादशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यादें मुकेश का भव्य आयोजन हर साल की तर्ज पर इस साल भी नेहरू हाउस सेक्टर 1 में 27 अगस्त को किया जाएगा। इस कार्यक्रम के साथ ही स्वर्गीय आशा इकबाल महिला पत्रकार सम्मान का आयोजन भी बीते 12 वर्षों से जो निरंतर जारी है, इस वर्ष भी महिला पत्रकार सम्मान में छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों की 5 महिला पत्रकारों और छत्तीसगढ़ से 4 महिला पत्रकारों को आशा इकबाल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल होंगे, साथ ही अध्यक्षता विधायक रिकेश सिंह करेंगे। महिला पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र के पवन कुमार रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ इकबाल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान फिल्मी दुनिया के दिवंगत गायक कमलेश अवस्थी, विख्यात गजल गायक स्वर्गीय पंकज उदास और मिमिक्री आर्टिस्ट स्वर्गीय जूनियर महमूद को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां कांति दर्शन महाविद्यालय कोसानगर में बीते 1 सप्ताह से चल भी रही है, जिनमें प्रमुख गीतों को इस साल समावेशित किया गया है। उनमें सावन का महीना, पवन करे शोर, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, चिट्ठी आई है जिस गली में, तेरा घर ना हो बालमा, साथ ही चांदी की दीवार ना तोड़ी और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे प्रमुख गीत शामिल हैं। आयोजन को लेकर आयोजक रहे बीडी निजामी ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। नमस्कार, संगीत प्रेमी संगीत सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार खासतौर पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दर्द भरे गीतों के बादशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि के अवसर पर 27 अगस्त को हर साल यादें मुकेश कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हाउस सेक्टर 1 भिलाई में करवाया जा रहा है। और ये 22वां साल है, इस साल भी गीत संगीत की रसधारा बहेगी 27 यानी कल मंगलवार की शाम 7:30 बजे से। और खास बात है कि इस आयोजन के साथ इसमें एक आयोजन हमारा और जुड़ा हुआ है, वह है स्वर्गीय आशा इकबाल पत्रकार महिला पत्रकार सम्मान, स्वर्गीय आशा इकबाल महिला पत्रकार सम्मान, जो कि अंचल के वरिष्ठ पत्रकार श्री आसिफ इकबाल जी की धर्म पत्नी के नाम पर दिया जा रहा है। ये 12वां साल है उनका भी, और इस साल 9 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 4 महिला पत्रकार शामिल हैं और 5 महिला पत्रकार हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, जिसमें से एक असम से समीम सुल्ताना वो आ रही हैं। उसके अलावा उड़ीसा की 2 महिला जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश की 1 महिला जर्नलिस्ट है और 1 महिला जर्नलिस्ट महाराष्ट्र की है। तो ये इस बार का जो कार्यक्रम है थोड़ा सा एक राष्ट्रीय स्तर का एक लुक इसमें नजर आएगा, और कुछ और जो महान कुछ और विभूतियों का भी सम्मान जो कि हमारे दुर्ग भिलाई के हैं उनका इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। और दर्द भरे गीतों के बादशाह तो है ही, लेकिन साथ में हमने इस बार कुछ नए गाने लिए हैं। कुछ नए गाने हमने इस बार ऐसे लिए हैं जो कि पिछले 22 सालों में कभी भी नहीं हुए, और खास से खास 4 श्रद्धांजलि के गीत हैं। इसमें स्वर्गीय पंकज उदास जो कि गजलिस्ट हैं, जूनियर महमूद बहुत बड़े कलाकार रहे हुए हैं, तो उनके जो गाने हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी एक कमलेश राठौर उनको भी श्रद्धांजलि उनके गाए हुए गीतों के माध्यम से ली जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि कल के कार्यक्रम में उपस्थिति अवश्य। इसमें अतिथि कौन कौन रहेंगे? अतिथियों के जहाँ तक सवाल है, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। अध्यक्षता वैशाली नगर के कार्यक्रम की अध्यक्षता वैशाली नगर के जुझारू और युवा विधायक रिकेश सिंह होंगे। इसके अलावा जो सम्मान समारोह है उसके लिए हमने आमंत्रित किया है पवन कुमार जी को, जो कि ईडी हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के भिलाई स्टील प्लांट के, और उनके साथ
जो हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ इकबाल जी वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।